आलिया भट्ट स्टारर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हुए कुछ घंटे ही हुए हैं कि अब ये ट्रेलर जो है कंट्रोवर्सी में पड़ता नजर आ रहा है और लोग आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर कॉल आउट कर रहे हैं। ये मुद्दा उठा है फिल्म के एक डायलॉग को लेकर और इस डायलॉग के लिए लोगों ने कहा है कि फिल्म में रेसिस्ट रिमार्क है ये और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की इंसल्ट की है। एक्चुअली फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर देखा जाता है कि आलिया भट्ट जो कि गंगूबाई के कैरेक्टर में है वो एक डेंटिस्ट को विजिट करती है। इसी दौरान डेंटिस्ट उन्हें मुंह खोलने के लिए कहता है कि आ करो, तो आलिया इस पर कहती है कि और कितना आ करूँ, पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या। जो डेंटिस्ट होता है वो नॉर्थ ईस्ट का होता है और ऐसे में आलिया का ये कहना कि पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या, इसको लेकर लोगों का कहना है कि एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इंसल्ट की गई, उन्हें चाइनीज कहा गया। अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंडिया का पार्ट माना ही नहीं जाता, उन्हें बस चाइनीज ही या चिंकी मिंकी ये कहकर ही बुलाया जाता है। एक यूजर ने कहा कि मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया लेकिन जैसे ही ये रेसिस्ट डायलॉग देखा उसके बाद मुझे लगा कि ये बॉलीवुड कभी नहीं सुधरेगा। वहीं एक और यूजर ने कहा पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या। ऑफ कोर्स ऐसा ही कहेंगे क्योंकि डॉक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न है, यानी उसे चाइनीज कहकर बुला दो। एक बार फिर से इस फिल्म में रेसिज्म और ज़िनोफोबिया किया गया है। वहीं एक और यूजर ने कहा कि क्या कॉमेडी तभी निकलती है जब तुम रेसिज्म करते हो, जितना रेसिज्म करोगे क्या उतनी कॉमेडी निकलेगी। वहीं एक और यूजर ने तो इस रेसिस्ट डायलॉग के लिए संजय लीला भंसाली तक के लिए कह दिया है कि ये फिल्म संजय लीला भंसाली की वर्स्ट प्रोडक्शन फिल्म है। तो एक यूजर ने कहा पूरा ट्रेलर अच्छा था लेकिन पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या, इस डायलॉग की जरूरत नहीं थी फिल्म में। कुछ इस तरीके से इस डायलॉग को लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी में जहां टाइटल रोल आलिया भट्ट निभा रही है वहीं करीम लाला का किरदार निभाते नजर आएंगे अजय देवगन। इसके अलावा विजय राज इस फिल्म में एक दमदार किरदार निभाते नजर आएंगे। सीमा पावा और जिम साब भी इस फिल्म का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि हुमा कुरैशी भी स्पेशल अपेयरेंस में नजर आएगी। 25 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है थिएटर्स में।